तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लावा टाइटन ने यार हमारे आइस टाइटन और उसके भाइयों को मार दिया था। पर मैंने आइस टाइटन की मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक टाइटन से बात करी और उसकी मदद लेके हमने यार लावा टाइटन को हरा दिया, क्योंकि मैंने सन टाइटन की यार पावर चुराई थी, इसलिए सन टाइटन ने हमारे पे अटैक कर दिया और सन टाइटन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो गाइस यार अभी सन गॉड ने इलेक्ट्रिक टाइटन को मार दिया, आइस टाइटन को मार दिया, ग्रीन टाइटन को मार दिया और मतलब यार तीनों के तीनों भाई मर चुके हैं। वो बस यार जमीन के अंदर चाहते जा रहे हैं और ये हमेशा के लिए जमीन के अंदर चले जाएंगे। और इलेक्ट्रिक टाइटन की भी हालत बहुत खराब है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। इन सब टाइटन को तो मैंने बता दिया कि सन गॉड कौन है। फ्रैंकलिन अब तेरी बारी है। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो ना कुछ किया था। अरे तूने ही तो मेरी पावर चुराई थी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे नहीं नहीं मैंने तो ना, मुझे तो आइस टाइटन ने बोला था। वो सब मुझे नहीं पता, इधर आ मेरे पास। अरे कहाँ उड़ा के लेके जा रहे हो। तो फ्रैंकलिन अब बताओ कैसे मरना चाहोगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मत मारो यार, मेरे को नहीं मरना। अरे आइस टाइटन ने मुझे बोला था आपकी पावर चुराने के लिए, वरना मैं तो ना आपकी पावर चुराऊंगा। आप तो सबसे खतरनाक टाइटन हो। मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, तुझे मेरे दो काम करने होंगे। पहला, सभी को जो भी वीडियो देख रहे लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे गाइस यार फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार लिख दो सन गॉड ओपी, क्योंकि वो सबसे खतरनाक है ना। हाँ हाँ हम सबसे खतरनाक है, सन गॉड ओपी लिख दो। हाँ हाँ सबके सब लिख देंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगर इन्होंने नहीं किया और हमें पता चला तो हम तुमको तबाह कर देंगे। अरे नहीं नहीं सब कर देंगे, आप अपना दूसरा काम बताओ। हाँ तो मेरी बात सुनो, दूसरा काम है तुम्हें जाना पड़ेगा फादर गॉड के पास, वो सबसे खतरनाक गॉड टाइटन है, उनसे तुमको लाना पड़ेगा ट्रेडमिल। क्या ट्रेडमिल? अरे ट्रेडमिल क्या करोगे, वो तो मैं दुकान से ला देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो एक सीक्रेट ट्रेडमिल है, उससे जो भी उसमें चलता है उसको बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ मिलती है, तो तुम्हें वो लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाओगे तो तुम तबाह हो जाओगे। अरे ठीक है लेके आता हूँ। हाँ तो जल्दी जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तो फेंक क्यों दिया। फ्रैंकलिन इसकी मदद मत करना, ये सन गॉड बहुत खराब है। क्या हम खराब है? अबे चुप, कोई खराब वराब नहीं है। अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपका ट्रेडमिल ला के देता हूँ। अबे इलेक्ट्रिक गॉड फालतू मत बोला कर। तो गाइस अभी हम जाने वाले ट्रेडमिल लेने फादर गॉड से, देखते हैं वो कौन है। भाई पता नहीं बोल रहे, बहुत खतरनाक है। अरे ये क्या हो गया, एक तो मैं घिरे ही जा रहा हूँ। फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और लेके आते हैं फादर गॉड से वो ट्रेडमिल। तो अभी तक आपने यार कमेंट में वरुण द गेमर ओपी नहीं लिखा तो फटाफट से जाके लिख दो। तो गाइस ये है वो रास्ता जो कि हमें लेके जाने वाला है कहीं दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पे हमें मिलने वाला है फादर गॉड। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं हमें कहाँ लेके जाने वाला है। तो अभी मैं किसी पहाड़ में से तो निकल चुका हूँ और ये सामने देख सकते हो कितना बड़ा टाइटन लेटा हुआ है। अरे फिर से गिर गया, मैं कितनी बार गिरूंगा। अरे गाइस मैं कितनी बार गिर चुका हूँ यार, मेरे को तो गिनना भी नहीं जा रहा है, बहुत बार गिर गया यार। कमेंट में बताओ कितनी बार मैं गिर चुका हूँ और सामने मुझे वो फादर गॉड मिल चुका है और ये तो यार यहाँ पे आराम से बीच में सो रहा है। तो यार काम करते फटाफट से इसके ऊपर ये गाड़ी चढ़ा देता हूँ और उसके ट्रेडमिल जो हमें मिलने वाला है वो उसके मुंह के अंदर मिलने वाला है। तो हमें इसके मुंह के अंदर जाना पड़ेगा, बस इसने ब्रश ढंग से किया होगा तो यार अच्छा होगा, वरना यार बहुत ज्यादा बदबू आने वाली है। पर कैसे भी करके हमें जाना तो पड़ेगा। तो गाइस फटाफट से चलते, ये देख सकते हो कैसे आराम से सो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अबे यहाँ पे इतने सारे हल क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या इसके सिक्योरिटी वाले हैं क्या। अरे इधर मैं कैसे जाऊंगा। अरे गाइस ये तो गर्दन के पास ही बैठे हैं और वहां से तो मुझे इसके मुंह को जाने का रास्ता मिलेगा। अरे यार ये तो सिक्योरिटी गार्ड बन के इधर बहुत सारे हल्क बैठे हैं। नहीं नहीं मैं इधर नहीं जा सकता, ये हल्क सारे के सारे मिलके मेरी चटनी बना देंगे। रुको मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं जानता हूँ एक यार मैग्नम टाइटन गॉड को। वो यार मतलब यार वो पूरा टाइम सोता ही रहता है, मतलब वो बहुत ज्यादा आलसी है, वो यार देखता भी नहीं है कोई आया है कि क्या हुआ और वो हिलता भी नहीं अपनी जगह से। तो मैं उसके पास जाने वाला हूँ और उसके मुंह में से ट्रेडमिल निकाल के सन गॉड को दे दूंगा। उनको क्या ही पता चलेगा अगर उसके मुंह में तो कुछ ना कुछ तो मैजिक होता ही होगा उसमें। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके और हम यार दूसरी गाड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यार इधर नॉर्मल सिक्योरिटी मतलब उसके पास तो हल्क सिक्योरिटी थी, यहाँ पे सिर्फ यार नॉर्मल बंदे खड़े रहते हैं ऐसे सिक्योरिटी के लिए। पर इन सबको उड़ाते हुए मैं जाने वाला हूं डायरेक्ट और सामने देख सकते हो मैग्नम गॉड लेटा हुआ है। तो गाइस फटाफट से चलते हैं यहां पे, इन सारे के सारे सिक्योरिटी वालों को उड़ाते हुए सीधा मैं जाने वाला हूं मैग्नम गॉड के ऊपर लैंड करूंगा। अरे गाड़ी का जरिया लगता है मुझे कूदना पड़ेगा, अच्छा है मैं पैराशूट भी लेके आया था। फटाफट से पैराशूट खोल लेते हैं। ये है वो मैग्नम गॉड जिसका मैं ट्रेडमिल चुरा के सन गॉड को दे दूंगा और उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो अभी इसके ऊपर हम लैंड भी कर चुके और ये तो आराम से सो रहा है, कभी हिलता भी नहीं है। तो आराम से यार मैं
वो ट्रेडमिल चुरा भी पाऊंगा। तो फटाफट से इसके मुंह के अंदर चलते हैं। ये देखो भाई इसकी आंखें ये रही, कैसे सो रहा है भाई, इसको पता भी नहीं चलेगा ये आंख खोल के सोता है क्या, क्या पता, छोड़ो ना अपने क्या। तो गाइस फटाफट से इसके मुंह के अंदर अपन यहां से चल लेते हैं। इसके कहां पे दांत टूटा हुआ, ये दांत टूटा हुआ था और ये मैं अंदर गिर चुका हूं। और गाइस सर मैं यहां पे आ चुका हूं यार, और ये रहा वो ट्रेडमिल। और गाइस सर यहां पे तो आते ही मुझे वो ट्रेडमिल मिल चुका है। मैं यार सोचता हूं ये ट्रेडमिल यार इतना क्या खतरनाक है यार कि सन गॉड को चाहिए, सन गॉड को तो पहले ही इतना ज्यादा खतरनाक है। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा अपन भी भाग के देख लेते हैं। उसने बोला था जो भी चलेगा उसको यार बहुत ही तगड़ी शक्तियां मिलेगी, देखते हैं हमें कौन सी शक्तियां मिलती है। और एक गाइस सर ये ट्रेडमिल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, आप देख चुके हो मैं कितना ज्यादा बड़ा हो चुका हूं और मेरे तीन तीन सर आ चुके हैं। मुझे लगता है यार सन गॉड को भी इतने सारे जो हेड है उसके वो इसकी वजह से आए होंगे। गाइस ये ट्रेडमिल तो बहुत खतरनाक था, उस ट्रेडमिल को मैंने जाल लिया अपनी जेब में और अभी मैं आ चुका हूं सन गॉड के पास। सन गॉड मैं आ गया, मैं आ गया। अरे फ्रैंकलिन तुम इतने बड़े कैसे हो गए? अरे वो ट्रेडमिल ने ना वो थोड़ा सा मैं गिरा ना उसके ऊपर, तो वो गलती से मैं भागने लग गया उसके ऊपर, तो वो ट्रेडमिल मैं इतना बड़ा हो गया। अरे क्या अपने आप ऐसे हो गए? अरे हाँ, अरे वो सब छोड़ो ना, ये लो आपको ट्रेडमिल लो। हाँ दे दो दो, इस ट्रेडमिल पर हम अपना साइज बढ़ाएंगे और भी ज्यादा और अपने बहुत सारे सर भी कर लेंगे। क्या और भी अपने सर बढ़ाओगे? अरे हाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, करो करो अभी लो, भागो 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 भागो। अरे ये क्या कुछ हो ही नहीं रहा, भागो भागो भागो। अरे थोड़ा तेज भागने लगता है मेरे को, भागो 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 भागो। अरे इसमें तो कुछ नहीं हुआ, क्या किया तुमने? अरे मैंने तो ना कुछ किया। एक सेकंड, ये वो वाला ट्रेडमिल नहीं है, ये फादर गॉड का ट्रेडमिल नहीं है, ये किसका ट्रेडमिल है? अरे मेरे को क्या पता, आपने तो बोला था मैं वहीं से उठा लिया। झूठ मत बोलो, ये तो मैग्नम गॉड का है। अरे ये तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। अरे नहीं नहीं चीटिंग नहीं कर, अरे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैग्नम और फादर गॉड ना सेम कलर के ना इसलिए। जल्दी जाके फादर गॉड का लेके आओ, जल्दी जाओ। अरे हाँ चलो चलो चलो। तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस से फादर गॉड के पास। मुझे नहीं पता था उनको पता चल जाएगा कि मैं भैया दूसरे का उठा के लेके आया हूँ, पर मैं इतना ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ अब तो इनकी सिक्योरिटी वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इतने सारे चीटी लग रहे, ये देखो सारी मेरे सामने सारे के सारे जो हल्क सिक्योरिटी वाले वो चीटी लग रहे इतनी छोटी छोटी। तो गाइस इनको फटाफट से मारते हैं। अबे कहां आ गया पानी के अंदर, अबे ये निकल यहां से। इस यार फटाफट से फादर गॉड का मुझे ट्रेडमिल चुराना है, उससे पहले थोड़ा सिक्योरिटी वालों को मार लिया जाए क्योंकि यार ये परेशानी करेंगे। कैसे देखो यार चीटियों की तरह ये हवा में उड़ रहे। अबे निकलो यहां से सबके सब। मेरे पास एक आईडिया है, मैं इसके गले पे इतना ज्यादा मारूंगा कि ये उठ भी नहीं पाएगा। तो इसको मैं पूरा बेहोश ही कर दूंगा, इसकी छाती भी मारूंगा, इसके दिल पे भी मारूंगा ताकि ये उठ ही नहीं पाए और वो ट्रेडमिल मैं आराम से चुरा लूं। तो गाइस इनको फटाफट से मारते हैं, लगता है मैंने सारी सही सिक्योरिटी तो मार दी है। एक काम करता हूं सीधा इसके मुंह के अंदर कूदता हूं और वो ट्रेडमिल निकालते फटाफट से। ये चलते हैं मुंह के अंदर और ये रहा वो ट्रेडमिल। और यार गाइस सोचो अगर वो मैग्नम गॉड वाला ट्रेडमिल इतना खतरनाक था तो ये वाला ट्रेडमिल कितना खतरनाक होगा। चलो यार बाद में यूज करके देखेंगे, अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं। तो अभी मैंने उसको अपने जेब में डाल लिया है, फटाफट से चलते हैं अपन यार सन गॉड के पास और उसको ये वाला ट्रेडमिल दे देते हैं। ये लो मैं आपका ट्रेडमिल ले आया, ये फादर गॉड का ही ट्रेडमिल है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, थैंक यू हमको लाने के लिए, अब तुम निकल सकते हो, तुम्हारी जान हमने छोड़ दी। अरे थैंक यू, वैसे मैं बोल रहा था आप तो यूज करोगे, थोड़ा सा मैं भी यूज कर लूँ क्या? तुम यूज करोगे, शक्ल देखिए अपनी। अरे ठीक है सॉरी सॉरी, नहीं करा नहीं करा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, कर लो। क्या सही में कर लू? अरे हाँ कर लो। अरे ये सन गॉड तो बहुत अच्छा निकला, थैंक यू। तो गाइजर फटाफट से ये ट्रेडमिल यूज करते हैं, भागो। सोचो यार अगर वो मैग्नम गॉड वाले ट्रेडमिल में इतना खतरनाक किया था तो ये कितना खतरनाक करेगा। चलो भागो। ओ गाइजर ये क्या हो गया, आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ, मेरी मसल्स तो देखो एक बार। अरे थैंक यू सन गॉड। तो गाइजर फटाफट से यार आप यार सन गॉड ओपी लिख दो। और यार ये देख सकते हो सन गॉड की वजह से मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। सन गॉड की वजह से क्या, मैं खुद जाकर ट्रेडमिल लेके आया था। अरे क्या बोला? मैं कुछ नहीं, चलिए नहीं, थैंक यू। हां चलो हम निकलो ऐसे। हां ठीक है, बाय। तो गाइस सर अब मैं इतना खतरनाक हो चुका हूं तो मुझे यार लॉस सैंटोस वालों की मदद करनी चाहिए। तो मैं इस चमगादड़ जैसे दिखने वाले को बहुत ही बुरा मारने वाला हूं क्योंकि यार ये लॉस सैंटोस में सबको परेशान कर रहा है। ये देखो सर कितना ज्यादा बड़ा है, इसके पंख और तीन तीन सर है, पर इसको पता नहीं है मैं अभी सबसे खतरनाक बनाऊं। और मेरी मसल्स तो बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही छोटा है मेरे सामने, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अरे कहां फेंक रहा है, इधर आ, नीचे। अब एक तो ये उड़ने लग जाता है, इसके पंख काटने पड़ेंगे मेरे को। अबे हट यहां से, इधर आ, अभी इसको बताओ ये निकल यहां से। तो गाइस इसको मारने में तो बहुत ही मजा आ रहा है भाई, ये बार बार हवा में उड़ता है, मैं इसको पकड़ता हूं फिर नीचे गिरा देता हूं।
इतना इतना इसके पंख तो मैं पक्का काट के रहूंगा, पूरे पूरे कैंची सारे के सारे पंख काट दूंगा। और ये उड़ते हुए गया सीधा सिक्सर। तो गाइस यार उस चमगादड़ जैसे दिखने वाले को हमने मार दिया है और हम बन चुके लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक, मतलब जो भी है पता नहीं क्या है। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चाहे ब्रो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके जाना फॉलो कर लेना। और गाइस यार कमेंट में लिख देना फ्रैंकलिन ओपी, फ्रैंकलिन बॉडी बिल्डर ओपी, जो भी लिखना है कमेंट में लिख देना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।